कृष्ण के जन्म की खुशी में जिला रूपनगर के बख बख मंदिरों के जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के नाल मनाया गया। सवेर तो ही मंदिरों के श्रद्धालुओं का तांता लग्या रहा। प्रबंधकों के वलों मंदिरों नूं बड़े ही सुंदर तरीके सजाया गया और मंदिरों के भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप दर्शाते हुए झूले भी लगाए गए। सवेर तो ही लगातार मंदिरों में संगतां नतमस्तक हो रही ने। रूपनगर श्री कृष्ण मंदिर के पुजारी परशुराम शास्त्री ने दसिया कि 20 साल के बाद सोमवार के दिन जन्माष्टमी आई है जो कि बहुत ही शुभ है। इस मौके पंडित जी ने जिथे जन्माष्टमी संबंधी जानकारी दी उत जन्माष्टमी के इतिहास बारे भी जाणू करवाया। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी दी जीरो लाइन टीवी दिल्ली रिपोर्ट। जी नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी परशुराम शास्त्री है। तो आज जन्माष्टमी को लेके कैसी तैयारियां, कैसा सुबह से संगत कैसे आ रही है? देखो जी, इस बार की जो जन्माष्टमी है ऐसी जन्माष्टमी 20 साल में कभी नहीं आई। इस बार जयंती नाम की जो है जन्माष्टमी है सोमवार को है। कई बार हमारी दो दो जन्माष्टमियाँ हो जाती हैं, इस मार्थ की अलग होती हैं, वैष्णव की अलग होती हैं, लेकिन इस साल जो जन्माष्टमी है बहुत बड़ी जन्माष्टमी है क्योंकि आज सोमवार भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है। तो इन सब तीन चीज़ों का संयोग जब होता है तो वो जयंती नाम की जन्माष्टमी कहलाती है। तो आज के दिन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सुबह से ही हमारे भी मंदिर देखो आप सजे हुए हैं, झूला पड़ा हुआ है भगवान का। सुबह प्रभात फेरी निकली जी, यहाँ से संकीर्तन हुआ, सारा नगर संकीर्तन हुआ और इसके बाद भागवत कथा चल रही है हमारी, एक सप्ताह से चल रही है और अभी शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक भागवत कथा होगी और उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे से सहारनपुर से हमारी जो संकीर्तनकर्ता जो पार्टी पधारी हुई है सोमनाथ जी हैं और जो भी शहर के और भी लोग हैं सभी लोग जो हैं यहाँ पर रात्रि 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाएंगे। तो अभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कैसे आमद है, कितने लोग आ रहे हैं? नहीं, इस बार तो बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़ी लोगों में श्रद्धा है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, सब लोगों ने व्रत रखा हुआ है। इस समय थोड़ा दिन का समय है, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे शाम को कथा होगी, जैसे सुबह बहुत भीड़ भाड़ थी प्रभात फेरी में, फिर प्रसाद वितरण किया, सब लोग चले गए, अब फिर 3 बजे सब लोग आएंगे, फिर 7 बजे तक कथा प्रवचन जो भी भागवत की कथा है उसका श्रवण करेंगे और फिर रात्रि को वही जो है 9 बजे से 12 बजे तक पूरा श्रद्धा। जो नई पीढ़ी है उनको ज़्यादा पता नहीं है कि जन्माष्टमी मनाई क्यों जाती है। हाँ, नहीं थोड़ा सा है विडम्बना है हमारा सनातनियों में, जो बच्चे हैं अब तो काफ़ी जागरूक हो गए, ऐसी बात नहीं है, पहले जैसे बच्चे भी आने लगे हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जैसे सभी को पता है कि मथुरा में कारागार में हुआ, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं भगवान और भगवान इस धरा पे द्वापर युग में अवतरित हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहा यदा यदा धर्म से अगला निर्भवित भारत अभ्युधान धर्म तदात्मान सृजाम्य हम, कि जब जब पृथ्वी पे अधर्म होता है और जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तक भगवान अनेक प्रकार से किसी संत के रूप में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, हमारे 16 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे, देवकी और वसुदेव के कंस के कारागार में। सभी लोगों को पता है जो भागवत सुनते हैं, जो भगवान के निकट हैं, जो भगवान के शरणांगत हैं, उन सभी भक्तजनों को भगवत महिमा पता है।